गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक का पार्ट दो हर जीव का मोल पढ़ने जा रहे हैं। यह एक बहुत ही अच्छी कहानी है और इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि संसार में प्रत्येक जीव का, जितने भी जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, सभी का अपना अपना महत्व होता है। देखिए इस कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। तो चलिए हम पहले रीडिंग करना शुरू करते हैं। एक राजा था, उन्होंने आज्ञा दी कि संसार में इस बात की खोज की जाए कि कौन से जीव जंतुओं का उपयोग नहीं है। बहुत खोजबीन करने के बाद उन्हें जानकारी मिली कि संसार में दो जीव, जंगली मक्खी और मकड़ी, बिल्कुल बेकार हैं। एक समय की बात है, एक राजा थे, तो उन्होंने बहुत सोच विचार किया। उन्होंने सोचा कि संसार में जितने भी फालतू के जो जीव जंतु हैं, उन सब जो उपयोग में नहीं आते, जो हमारे किसी काम के ही नहीं हैं, तो उन्हें क्या किया जाए, संसार से समाप्ति कर दिया जाए। यही सोचकर उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा और खोजबीन करवाई, पता लगाने के लिए कि ऐसे कौन से जीव जंतु हैं जो हमारे उपयोग के लायक नहीं हैं। राजा ने सोचा क्यों ना जंगली मक्खियों और मकड़ियों को ख़त्म कर दिया जाए। इसी बीच राजा पर एक अन्य शक्तिशाली राजा ने आक्रमण कर दिया। युद्ध में राजा की हार हुई और जान बचाने के लिए उन्हें राजपाट छोड़कर जंगल में जाना पड़ा। अब जब राजा ने बहुत सोच विचार किया तो पता चला कि संसार में दो जो जीव हैं, जंगली मक्खी और जो मकड़ी है, वो बिल्कुल व्यर्थ हैं, बिल्कुल बेकार हैं, वो हमारे किसी काम के नहीं हैं। तो जैसे कि आप देखते हो कि जो गाय होती है वो हमारे लिए क्या बहुत हमारे लिए उपयोगी होती है। गाय से हमें दूध मिलता है, भेड़ों से हमको ऊन मिलती है, मधुमक्खी से शहद मिलता है। इस प्रकार प्रत्येक जो जीव है, जंतु हैं, उनसे हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। परंतु जंगली मक्खी और मकड़ी जो थी राजा की नज़रों में, वो बिल्कुल से क्या थी, बेकार थी। और यही सोचकर उसने क्या किया, मकड़ी को और मक्खियों को ख़त्म करने का आदेश दिया। जब राजा यह उनको मकड़ी और मक्खी को मारने का काम कर ही रहा था, ये अभियान चल रहा था, तो इसी बीच राजा पर एक अन्य शक्तिशाली राजा ने आक्रमण कर दिया। और वह जो राजा था बहुत ही शक्तिशाली था, बहुत ही ताकतवर था। जब दोनों के बीच युद्ध होता है तो जो राजा होते हैं वो उससे पराजित हो जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए अपना राजपाट छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। आगे देखिए, शत्रु के सैनिक उनका पीछा करने लगे। काफ़ी दौड़ भाग के बाद राजा ने अपनी जान बचाई और थक कर एक पेड़ के नीचे सो गए। तभी एक जंगली मक्खी ने उनकी नाक पर डंक मारा, जिससे राजा की नींद खुल गई। और जब राजा जंगल की ओर दौड़े तो अपनी जान बचाने के लिए, तो वहाँ अपनी भाग दौड़ कर करके क्या होता है, बहुत ही थक जाते हैं। और थक कर एक पेड़ के नीचे जब वो विश्राम करने लगते हैं, तभी एक जो जंगली मक्खी होती है वो राजा की नाक पर डंक मार देती है, जिससे राजा की जो नींद होती है वो खुल जाती है। नेक्स्ट देखिए, उन्हें ख्याल आया कि खुले में ऐसे सोना सुरक्षित नहीं है और वे एक गुफा में जा छिपे। राजा के गुफा में जाने के बाद मकड़ियों ने गुफा के द्वार पर जाला बुना। शत्रु के सैनिक उन्हें यहाँ वहाँ ढूंढते हुए गुफा के नज़दीक पहुँचे। द्वार पर घना जाला देखकर आपस में कहने लगे, अरे चलो आगे, इस गुफा में राजा आया होता तो द्वार पर बना यह जाला नष्ट ना हो जाता। अब क्या होता है, जब राजा की नींद खुलती है तो राजा को लगता है कि मेरा ये जो स्थान है ये सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, क्या हो सकता है, कभी भी शत्रु के जो सैनिक हैं वो आकर मुझे मार सकते हैं। तो राजा ने सोचा कि चलो एक गुफा है सामने ही, वहाँ पर जाकर के विश्राम कर लिया जाए। और राजा वहाँ से कहाँ चला जाता है, गुफा के अंदर आराम करने के लिए जाता है। तो उस गुफा के अंदर बहुत सारी मकड़ियाँ होती हैं। मकड़ियाँ राजा को जब वहाँ देखती हैं तो क्या करती हैं, वो द्वार, गुफा का जो द्वार होता है वहाँ पर वो जाला बुन देती है। अब बहुत समय देर बाद वहाँ पर क्या होता है, शत्रु के जो सैनिक होते हैं वो राजा का पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब आपस में बात करने लगते हैं।
वो कहते हैं कि चलो इस जो गुफा है लगता है इसमें राजा नहीं है, क्योंकि अगर राजा आया होता तो मकड़ियों का जो जाला होता वो यहाँ पर ना होता, जाला क्या होता, नष्ट हो जाता अगर, क्योंकि राजा जैसे ही एंटर होते उस गुफा के अंदर तो जाला जो होता वो क्या होता, नष्ट हो जाता। इस प्रकार वो दोनों जो सैनिक थे वो आपस में बात कर रहे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। गुफा में छिपा बैठा राजा ये बातें सुन रहा था, शत्रु के सैनिक आगे निकल गए। उस समय राजा की समझ में यह बात आई कि संसार में कोई भी प्राणी या चीज बेकार नहीं। अगर जंगली मक्खी और मकड़ी ना होती तो उसकी जान ना बच पाती। भगवान की बनाई दुनिया में हर जीव का मोल है, कब कहाँ किसकी जरूरत पड़ जाए। अब लास्ट में हमको यही समझा गया है कि राजा ने गुफा में क्या हुआ, बैठे बैठे राजा जो था गुफा में छिप कर बैठ के वो शत्रु के जो सैनिक थे उनकी सारी बातें सुन रहा था, और जब वो सैनिक आगे निकल गए तब राजा को ये समझ में आ गया कि इस संसार में कोई भी जीव जो या प्राणी जो है वो बेकार नहीं है। वो जिन मक्खियों और मकड़ी को व्यर्थ समझ रहा था, जिनको नष्ट करने के लिए तत्पर था, वही मकड़ी और मक्खी ने आज क्या हुआ, राजा की जान बचाई। यदि वो मकड़ी और मक्खी ना होती तो राजा की जान ना बच पाती, क्योंकि राजा जो थे वो कहाँ थे, खुले जंगल में खुले वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, और मक्खी ने क्या किया था, उनकी नाक पर डंक मारकर उनको नींद से जगाया और सुरक्षित स्थान पर भेजा, और मकड़ी ने क्या किया, द्वार पर ज्वाला बनकर शत्रुओं को अंदर एंटर होने से रोका। इस प्रकार राजा की मकड़ी और मक्खी ने मिलकर राजा की जान बचाई। इसलिए कहा गया है कि भगवान की बनाई दुनिया में हर जीव का, हर प्राणी का, हर जीव जंतुओं का महत्व होता है। कब किसकी जरूरत पड़ जाए हमें पता नहीं है, कि समय आने पर हर चीज़ का अपना महत्व होता है, इसलिए हमें किसी भी चीज़ को व्यर्थ और बेकार नहीं समझना चाहिए। ओके बच्चों, आज हमने चैप्टर की रीडिंग की है और कल हम इसका बुक वर्क करेंगे और मौखिक प्रश्नोत्तर करेंगे। ओके।